हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी। तो गाइस, अगर आप यहां पे सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं तो आज ही डाउनलोड कीजिए टारगेट लर्निंग 5 ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। और वहां पे आपको और भी इसके डेमो वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, वहां पे आप इसके डेमो वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप टारगेट लर्निंग 5 ऐप के थ्रू इस कोर्स को परचेस भी कर सकते हैं। तो गाइस, आज हम बात कर रहे हैं रीजनिंग में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो आपको दिख रहा होगा जो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें क्या पूछा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड टर्म फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। यानी कि 11 और गो, यहाँ पे इस टाइप से आप इसको डबल रेशो यहाँ पे लगा सकते हैं। इसका मतलब ये कि 11 और गो का क्या रिलेशन है, और जब आपको इसका रिलेशन मिल जाए तो उसके बाद इस 14.5 और जो यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह और इस क्वेश्चन मार्क और इस 14.5 में क्या रिलेशन होगा। और यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है, ये इस क्वेश्चन मार्क की जगह आपको ये जो चार ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें से कोई एक आंसर इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे होना चाहिए, करेक्ट। तो रिलेशन आपको यहाँ से पकड़ना है, और जब आपको यहाँ से रिलेशन मिल जाएगा तो वही चीज यहाँ भी फॉलो कर रही होगी और उसी से आपको आंसर यहाँ पे मिलने वाला है। तो गाइस, किस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक 11 दिख रहा है और उसके बगल में आपको जी और ओ दिख रहा है। तो जी और ओ से 11 किस तरह से बन रहा होगा, उसी पे हमको काम करना है। तो हम एक काम करते हैं, हमें इजॉरिटी रूल पता है और इजॉरिटी रूल से हम ये पता लगा सकते हैं कि जी और ओ किस नंबर पे आते हैं। तो अगर हम जी की बात करें, जी की बात करते हैं, तो इजॉरिटी में जो ई है वो पांचवें नंबर पे आता है, एफ छठे पे, एफ के बाद जी, जी आपका आता है सातवें पे। तो ये आपका जी है, तो जी कौन से नंबर पे आएगा, सातवें नंबर पे। और बात करें ओ की, तो इजॉरिटी में ओ आता है और ओ कौन से नंबर पे आता है, 15 पे आता है। तो यहां पे 7 है, यहां पे 5 है। अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो 8 आएगा, बट यहां तो 11 है। और अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो 15 + 7, अगर आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये आएगा 22, बट यहां पे तो 11 है। तो 22 से 11 बन जाएगा कैसे, जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे। यानी हमें पैटर्न पता लग चुका है कि किस तरह से जी ओ का यूज करके 11 बनाए। तो वही चीज यहां पे जो क्वेश्चन मार्क होगा उसको सॉल्व करके 14.5 बनना चाहिए, और जो लॉजिक आपने यहां लगाया वही लॉजिक यहां भी लगेगा। इसका मतलब हम एक एक करके चेक करते हैं। तो सी कौन से प्लेस पे आएगा, थर्ड पे। एफ आएगा 6 वाले प्लेस पे, दोनों को ऐड करेंगे तो 9 आएगा, 9 का आधा करेंगे तो 4.5, बट यहां पे 14.5 है तो ए ऑप्शन नहीं होगा। के एम की बात करें तो के आएगा 11 पे और एम आएगा 13 पे, दोनों को ऐड करते हैं 3, 1, 4, 1 और 1, 2, 24 का आधा करेंगे तो 12 आएगा, बट 14.5 चाहिए, नहीं मिला आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले वाले ऑप्शन की बात करते हैं। तो आई आता है 9 पे, टी आता है 20 पे, दोनों को ऐड करेंगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 29/2, और ये कितना होगा 14.5। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, तो 14.5 आप यहां पे देख सकते हैं। तो 14.5 किससे मिला आपको, इस सी वाले ऑप्शन से, राइट। ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी ही आपका आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन ए की यहाँ पे सही होगा। तो इस तरह आप इस टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ऑप्शन है आपके पास P4, S2, O5 और I11। तो हमें ऑड वन यहाँ से फाइंड करना है कि कौन सा डिफरेंट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको सिर्फ एक ही चीज पता है कि जहां पे लेटर और नंबर्स आ जाएं तो वहां पे हमको क्या चीज देखनी चाहिए, वहां पे हमें अल्फाबेट्स के नंबर का खेल देखना चाहिए। यानी कि यहाँ पे जो आप अल्फाबेट देख रहे हैं ये कौन कौन सी पोजीशन पे आते हैं, इसका आपको आइडिया होना चाहिए। तो वो आपको इजॉरिटी रूल से उसका आइडिया बिल्कुल है। तो देखिए क्या करेंगे आप इसमें, अगर मैं पी की पोजिशन की बात करूं तो पी की पोजिशन कितनी है, 16, और अगर यहां पे आप 4 को इसमें ऐड कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 20। बहुत बेसिक अप्रोच से हम यहां पे सॉल्व कर रहे हैं। अभी मुझे भी नहीं पता कि जो मैं कर रहा हूं यहां पे सही है या गलत, हो सकता है सही हो सकता है गलत भी हो। तो लॉजिक आपको ढूंढना है, जरूरी नहीं है कि आपने एक बार जो सोचा वही लॉजिक हो जाएगा, सोचना पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है। बट जब आप ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपका दिमाग और ज्यादा तेज हो जाएगा, आप थोड़ा लॉजिक लगाने लग जाएंगे, तो वही यहां पे जरूरी है।
तो P16 वाले नंबर पे आता है, और एक बार इसमें आप 4 ऐड करते हैं देन यू विल गेट 20। S2 की बात करें तो S आता है आपका 19 पे, और इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये आएगा 21। अगर O की बात करें तो ये आता है 15 पे, और इसमें 5 ऐड करेंगे देन यू विल गेट 20। और ये जो I है वो आता है 9 वाले नंबर पे, तो इसमें आप 11 ऐड करेंगे देन यू विल गेट 20। आप देख सकते हैं यहाँ 20 है, यहाँ 20 है, यहाँ 20 है, और यहाँ पे है 21। तो यही आपका डिफरेंट है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे आंसर होगा। अब जब मैंने आपको 16, 19, 15, 9 जो लिखा है, ये पी एस ओ आई के क्या है, पोजिशंस है कि P कौन से नंबर पे आता है, S कौन से नंबर पे आता है, O कौन से नंबर पे आता है, और I कौन से नंबर पे आता है। तो आप देख सकते हैं S2 में आपको 21 मिल रहा है, यही आपका डिफरेंट है, यही आपका क्या होगा, ऑड होगा। तो ऑप्शन B आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच नंबर शुड कम नेक्स्ट इन दिस सीरीज 1, 2, 3, 10, और आगे क्या आएगा ये आपको बता रहे हैं। चार ऑप्शन आपके पास है, तो देखिए लॉजिक कैसे लगाएंगे आप। 1 से 2 कैसे बन रहा होगा आपको ये सोचना है, फिर 2 से 3 और 3 से 10 डिफरेंस चेक करेंगे। 1 और 2 के बीच में 1 का डिफरेंस, 2 और 3 के बीच में 1 का डिफरेंस, बट 3 और 10 के बीच में 7 का डिफरेंस है, यानी पहले डिफरेंस सेम, उसके बाद अचानक से डिफरेंस बढ़ गया। तो यहाँ पे देख रहे हो पहले तो बहुत कम का डिफरेंस, फिर एकदम तेजी से डिफरेंस बढ़ने लग गया, यानी जब तेजी से चीजें बढ़ती हैं तो वहाँ पे मल्टीप्लाई आप करते हैं। तो एक लॉजिक आपको ये सोचना पड़ेगा, कहीं कहीं पे क्या होता है मल्टीप्लाई और एडिशन दोनों चीजें चलती हैं, कहीं कहीं पे ऐसा होता है मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन, ये चीजें भी यहाँ पे चलती हैं। तो यहाँ पे आपको कॉमन डिफरेंस चेक करना है, राइट, आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई में चेक करना है, डिवाइड में चेक करना है। डिवाइड में खैर कब चेक करना होता है, जब चीजें बड़ी से छोटी होती चली जाती हैं, बट यहाँ पे चीजें बढ़ रही हैं तो डिवाइड का तो मतलब ही नहीं बनता, राइट। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का फॉर्मेट आपको सोचना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई का फॉर्मेट जो आपका फॉर्मेट होगा, मल्टीप्लाई का फॉर्मेट एडिशन के फॉर्म में होगा या फिर सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में होगा। तो एक बार सोचते हैं कि 1 से 2 कैसे बन सकता है। तो अगर आप 1 के स्क्वायर में 1 जोड़ दें, अगर आप 1 के स्क्वायर में 1 जोड़ दें तो कितना बनेगा, 1 प्लस 1 यानी कि 2। अगर आप, जैसे हम यहाँ पे 2 के पास पहुंच चुके हैं, तो अब 2 से 3 कैसे बनना है उसकी बात करते हैं, करेक्ट। तो अगर आप 2 के स्क्वायर में से 1 माइनस कर दें, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3, अगर प्लस 1 करते तो 5 हो जाता, लेकिन हमें यहां पे 3 चाहिए इसलिए हमने माइनस 1 किया। अब 3 की बारी, अब 3 के स्क्वायर में अगर आप प्लस 1 कर दें तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 10। फॉर्मेट हमको पता लग चुका है। अब अगली बारी 10 की, तो 10 के स्क्वायर में से देखो पहले प्लस 1 किया फिर माइनस 1 फिर प्लस 1 और फिर माइनस 1 करेंगे, 10 के स्क्वायर में से माइनस 1 कर दें तो 10 का स्क्वायर 100 फिर माइनस 1 कितना आ जाएगा, 99, करेक्ट। तो 99 क्या होगा आपका आंसर होगा, तो ऑप्शन बी आपका यहां पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को आप लोग देखिए, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। द नंबर कम्स एट द प्लेस ऑफ, द नंबर कम्स एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा ये आपको बताना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 है, 9 है, 25 है, 49 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद है 121। अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें, ये सारे नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, बस यही आपको हिंट चाहिए था, क्योंकि ये 1 क्या होगा, 1 का स्क्वायर, ये 9, 3 का स्क्वायर, 3 3 9, ये 5 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि पहले 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 ऑड नंबर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, तो अगला ऑड नंबर क्या आएगा, 9, तो 9 का स्क्वायर यहाँ पे होना चाहिए, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। अगला देखो, ये 11 का स्क्वायर होना चाहिए, तो 11 का स्क्वायर 121, 11 का स्क्वायर 121, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह 81 आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन डी आपका यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के आपको और भी क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करने, तो अगर आपने अभी तक टारगेट लर्निंग 5 ऐप को Google Play Store से अगर डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही उसको डाउनलोड करें। तो गाइस इस तरह के और भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने हैं, तो उनकी प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर किसी क्वेश्चन में आप फंसते हैं तो कमेंट सेक्शन आपका है, वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन को टाइप करके लिख सकते हैं, और आप बता सकते हैं कि किन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आती है, तो उन्हीं क्वेश्चंस को मैं अगली वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।